कभी तुमने सोचा कि बाकी स्ट्रीमर्स इतने अच्छे से BGMI एमुलेटर में कैसे खेल लेते हैं और यहाँ तुम हो जो कि आईडी बैन होने के डर से सोचते रहते हो कि भाई कौन से एमुलेटर पे खेले। तो आज मैं ऐसे 3 एमुलेटर लेके आ चुका हूँ जो कि बेस्ट है अभी के टाइम पे BGMI खेलने के लिए। तो उसके साथ ही मैं एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें कभी भी कोई सा भी रेजोल्यूशन चेंज करो या फिर एमुलेटर चेंज करो, कभी भी तुम्हें अपनी सेंस ही बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को देखते रहो, लास्ट में तुम्हें सारी सेटिंग बता दूंगा। तो तीसरे नंबर पे वो एमुलेटर आता है जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ BlueStacks पर, BlueStacks नगेट नहीं, जो तीसरे नंबर पे मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है BlueStacks Pi 64। तो BlueStacks Pi 64 मेन आईडी सेफ नहीं है, मैं शुरू से बता दे रहा हूँ मेन आईडी सेफ नहीं है, पर परफॉर्मेंस में इस लिस्ट का बेस्ट एमुलेटर है। पर अगर तुम अपनी मेन आईडी से ना खेलो, उसे वीडियो बनाने के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए से परफॉर्मेंस बेस्ड एमुलेटर चाहते हो BGMI के लिए, तो BlueStacks 64 Pi बेस्ट है तुम्हारे लिए। नंबर 2 में जो एमुलेटर आया है, बिल्कुल अभी उसके बारे में खबर आई है, इसलिए इसको मैं नंबर 2 पे रखूंगा क्योंकि इसके बारे में ज्यादा सेटिंग नहीं पता। इस एमुलेटर का नाम है मूमू एमुलेटर। मूमू एमुलेटर को दूसरे नंबर पे रखने की वजह सिर्फ एक ही है कि मूमू एमुलेटर अभी आया और इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। पर अगर तुम्हें पता है इसके बारे में और इसमें बहुत सारी सेटिंग है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करे, इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन भी थे, पर दूसरे नंबर पे मैं रखने की इसकी मेरी मेन जो वजह थी वो थी परफॉर्मेंस। शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही मैं एनिमी के सामने गया, इसने हक दिया भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए इसको नंबर 2 में रखा हूँ। नंबर 3 से तो अच्छा है ना, इसमें आईडी बैन का चक्कर नहीं है। तो अभी उस सेटिंग की तरफ चलते हैं जो कि मैं तुम्हें शुरुआत में बता रहा था सेंसी वाली, कि तुम्हें कभी भी सेंसी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी ये सारे एमुलेटर पे हो सकता है, तुम्हें जब वहां जाना है, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है सेंसी वाला, या फिर जहाँ की मैपिंग रहती है वहाँ पे ये एक्स सेंसी वाई सेंसी हर जगह दिख जाएगी तुम ढूंढोगे तो। जैसे कि एक्स सेंसी, ठीक है, मैंने इसको कर दिया ज़्यादा, मैंने इसको कर दिया 2, ठीक है, और नीचे वाले को भी कर दिया वाई सेंसी को भी 2, तो इससे क्या होगा, मेरी ओवरऑल जो सेंसी है वो तेज हो गई, देख रहे हो। तो इस और अगर मैंने इसको कम कर दिया, जैसे कि वापस से मैंने कर दिया 50, ठीक है, दोनों को मैंने कर दिया 50, तो सेंसी पूरी कम हो गई, सेंसी कम हो गई। इससे क्या होता है, देखो ये सारे एमुलेटर पे एक्टिव सब में काम करेगा, तो जैसे कि मैंने इसको ये इससे गन की भी सेंसी कम हो गई, और वहीं मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा तो सारी जो स्कोप है, सारी जो गन की स्किन, जितनी भी गन है कार 98 से लेकर सब की जो वो है सेंसी ज़्यादा हो जाएगी। देखो सेंसी ज़्यादा हो गई, तो ये देखो सब कुछ ज़्यादा हो गया। तो इस सारी सेंसी चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर हर बार तुम रेजोल्यूशन कम ज़्यादा करते हो, तो बस तुम्हें इस सेंसी को कम ज़्यादा करना है, तुमको सिर्फ एक ही सेंसी बना के रख देनी है। अलग अलग एमुलेटर पे खेल रहे हो कोई बात नहीं है, बस इस सेंसी को अलग अलग एमुलेटर पे अपने अपने हिसाब से कंफर्टेबल करके सेट कर लो, इसको कम ज़्यादा कर लो, बस इसको कर लो और बस हो जाएगा सेट। ये सेंसी को बस कम ज़्यादा करोगे तो सारी सेंसी कम ज़्यादा हो जाएगी, यही सिर्फ छोटी सी चीज़ है, बंदों को समझ नहीं आती, बस ये चीज़ तुम अच्छे से समझ जाओ और उसके बाद सारी सेंसी तुम्हारी एक ही हो जाएगी। मोस्ट एंटिसिपेटेड एमुलेटर जो नंबर 1 पे है उसका नाम है, तुम्हें तो पता ही चल चुका होगा, MSI। तो अभी के समय में बेस्ट परफॉर्मिंग एंड सेफेस्ट जो एमुलेटर है वो है MSI, और जो इसकी भाई जो बहुत प्यारा है, बिल्कुल BlueStacks से सेम है। और अगर तुमको इसके बारे में सेटिंग के बारे में पता करना है कि लैग फिक्स और जो बेस्ट सेटिंग है वो कैसे होगी, तो तुम्हें इस वीडियो को देखना पड़ेगा।